वीएमयू के सभी असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए संपर्क करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात करेंगे एमबीए के असाइनमेंट वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के। एमबीए में अगर आपने एडमिशन अगर ले लिया है तो आपके जो असाइनमेंट है इंटरनल होम असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एमबी 201 से लेकर एमबी 205 तक के जो कंपलसरी जो पेपर होते हैं उनके असाइनमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं सेशन 2023 और 24 के बारे में है, जिसमें आपके चार पेपर होते हैं, जिसमें है बिजनेस एनवायरनमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो वीडियो को पूरा बनाए मतलब देखते रहिए, जिसमें मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के बारे में भी मैं पूरी जानकारी अलग से वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि पहले ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, प्रपोजल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, तो उसके लिए अलग से वीडियो है जो मैंने बना रखा है। और वीडियो के अंत में आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो फाइल बनाकर तैयार कर रखी है कि किस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट बनाना है और किस ऑर्डर से उनको अरेंज करना है। टॉपिक जो है वो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो यहाँ पे दी हुई है। टॉपिक इसके अलावा भी अलग से लिए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट अगर बनवाने में अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो या कोई प्रॉब्लम में कोई चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको फाइनल बिल का जो है वो आपको प्रपोजल में आपको आपको भेजना होता है, जिसमें एनरोलमेंट नंबर, गाइडर की डिटेल, गाइडर का सीवी, उसका बायोडाटा, कैंसिल चेक और उनका पैन कार्ड जो है वो यहाँ पर आपको भेजना होता है। टाइटल आपको यहाँ पे लिखना होता है आपका, या तो जो सुपरवाइजर होगा वो एकेडमिक काउंसलर होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट वगैरह से होना चाहिए, स्टडी सेंटर से बिलीव करना चाहिए। और यहाँ पर उसका सिग्नेचर आ जाएगा, उसका प्रपोजल नंबर, जो भी आपको अप्रूवल आने के बाद जो मिलता है यूनिवर्सिटीज में, आपको यूनिवर्सिटी में आपको मेल करना रहेगा प्रपोजल बना के। और मेल करने के बाद वहां से अप्रूवल आता है, अप्रूवल का जो नंबर है वो आपको इस बॉक्स के अंदर लिख देना है। वीडियो में बने रही है, जिसमें मैं आपको बाकी का पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमबीए सेकंड ईयर के जो पहला पेपर जो है बिजनेस एनवायरमेंट कोर्स कोड जो है एमपी 201, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द केस रेशियो, केस रिजर्व रेशियो एंड व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीपी मॉडल एंड डिफाइन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड व्हाट इज द सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। तो इसके जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वो मैंने बना दिए हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, लगभग 10 से 11 पेज के अंदर आपको ये लिखना होता है। अगर असाइनमेंट बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। पेज जो एमबीए 202 का जो पेपर है वो भी आप देख ले, मिलान कर ले, क्वेश्चन आप मिलान करें, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और कोर्स कोड है एमबी 202 व्हाट इज द अप्लाइड रिसर्च, जो कि आपको यहां से देखना है सेक्शन बी, जिसमें आपको केवल दो क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन सी में से केवल एक क्वेश्चन ही आपको करना होता है। इसके अलावा जो तीसरा पेपर है वो भी आप यहां पे देखो, सेकंड पेपर का मैंने बताया, सेकंड नंबर जो है एक्सप्लेन डीबीएमएस सिस्टम, जो इसका आंसर है वो भी आप यहां पे देख सकते हो, जो आंसर है वो यहां पे तैयार हुए हैं एक्सप्लेन डीबीएमएस सिस्टम। इसके आंसर जो है वो आपको लाइनदार पेजों में बनाकर, आपको हो सके तो प्लास्टिक या कागज की फाइल में आपको बनाकर यूनिवर्सिटी में आपको 15 नवंबर से पहले आपको जमा करवाना होता है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में चौथा पेपर जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक स्कोर कोड, तो कि आप यह है चौथा नंबर का जो पेपर है। इसके अलावा जो बाकी के इलेक्टिव जो पेपर होते हैं, जिसमें आपने अगर एचआर मार्केटिंग वगैरह जो लिया है, पेपर नंबर 205 है, वो भी आप यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन पेपर आप मिलान कर लें। अगर आपको इसके प्रोजेक्ट असाइनमेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिफाइन स्ट्रेटेजी एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस, और इसका जो पेपर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एमबीए में जो आपके जो पेपर होते हैं जिनमें से 201 से लेकर ये वाले पेपर तो जो है वो आपके कंपल्सरी होते हैं, इनके अलावा जो बाकी के जो पेपर होते हैं इनमें से आपको कोई भी एक आपको लेना होता है। जैसे अगर आपने एचआर लिया है तो आपके 401 वाला रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो एमबी 501, और मार्केटिंग वाला लिया है तो एमपी 06601 से लेकर आपको रहेगा एमपी 100 जो है वो आपको सभी का आपको बनाना कंपल्सरी है। वीडियो में बने रही है, जिसमें मैं आपको वीडियो का प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है उसकी गाइडलाइंस के बारे में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखो ये जो प्रोजेक्ट है किस तरह से बनाते हैं वो इस तरह का है थोड़ा सा। अब इसमें देखो, अभी ये स्टार्टिंग का कवर पेज हो गया। कवर पेज लगाने के बाद आप यहाँ पे देखो, जैसे ये डिक्लेरेशन हो गई, उसके बाद एक्नोलेजमेंट आ जाएगा, उसके बाद जो अप्रूवल हुआ था वो आ जाएगा, उसके बाद आपने जो पहले प्रपोजल जो भेजा जाता है उसका ये जो डिटेल होती है वो आपकी आ जाती है, उसके बाद जो फाइनल बिल जो होता है परफॉर्मा वो आ जाता है, फिर गाइडर का जो पैन कार्ड वगैरह जो होता है वो आपका आ जाता है, ये आपका जो सीवी है वो आ जाएगा, सीवी लगने के बाद कैंसिल चेक आ जाएगा, और उसके बाद जो बिल का जो परफॉर्मा था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें गाइडर के साइन थे वो आ जाएंगे, और फिर आपका जो प्रपोजल जो आपने पहले स्टार्टिंग में जो भेजा था 10-12 पेज का, वो प्रपोजल जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। ये देखो, ये पहले का जो प्रपोजल था ये आपका यहाँ पर आ गया, जो आपने शुरुआत में 10-12 पेज का आप भेजते हो। और यहाँ से ये सब आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखो ये बिब्लियोग्राफी, और उसके बाद ये आपका फिर जो मेन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया। अब ये जो है ये मेन प्रोजेक्ट आपका इस तरीके से कंपनी की प्रोफाइल वगैरह और ये टोटल जो डिटेल है वो इस तरीके से आ जाता है।
जो कंप्लीट जो मेन प्रोजेक्ट है जिसमें आप करेक्टर वाइज वगैरह जो है अगर आप कलर में निकालो तो कलर में, ब्लैक एंड वाइट निकालो तो ब्लैक एंड वाइट में, और इस तरीके से जो आपका जो प्रोजेक्ट है ये आप बना सकते हो। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है, ये उस ऑर्डर से आपको बनाना है। और इसकी जो बाइंडिंग है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो उसको बाइंडिंग इस तरीके से होती है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो जो गत्ते वाली बाइंडिंग, अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाओ तो स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेना। तो लगभग ये 100 पेज के अप्रोक्स आपका जो प्रोजेक्ट है ये लगभग आपका ये कंप्लीट हो जाता है। समझ गए होंगे आप। थैंक यू।